एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यार्थी प्रो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम श्वेता भारद्वाज, योर बिजनेस स्टडी टीचर एज वेल एज मेंटर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था हमारा जो सेकंड यूनिट था, जो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने सेकंड यूनिट नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड यूनिट जो है बिजनेस एनवायरमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस करना किसे नहीं पसंद है, सभी चाहते हैं बिजनेस करना। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें उन बच्चों को जिनके लिए रेलिवेंट रहने वाला है, सीयूटी एस्पिरेंट्स को, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते चले। ओके, सो लेट्स मूव बिजनेस एनवायरमेंट। चलिए देखते हैं बिजनेस एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एनवायरमेंट सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरमेंट। ये दो टॉपिक से, दो टर्म से मिलकर बना है, एक है बिजनेस, दूसरा है एनवायरमेंट। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय, यानी सेलिंग एंड बाइंग से रिलेटेड है। एंड एनवायरमेंट का मतलब हमने पहले भी जाना है कि सराउंडिंग से रिलेटेड है, कि क्या सराउंडिंग है। तो बिजनेस एनवायरमेंट बेसिकली अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो जहाँ पे जिस सराउंडिंग में हमारा बिजनेस स्थित है उसी को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। या फिर बिजनेस एनवायरमेंट को हम कह सकते हैं कि वो सारे सम टोटल होता है फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो हमारे बिजनेस के बियॉन्ड है, बिजनेस से आउटसाइडेड है, जिस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बट ये फोर्सेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो उसी को हम बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं, वो सराउंडिंग जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हमारा बिजनेस स्थित है, और कहीं ना कहीं वो सारे ही फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसके मीनिंग से और इसके कॉन्सेप्ट क्या कहता है बिजनेस एनवायरमेंट। डेफिनेशन कहता है कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूट, एक सम टोटल होता है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी इंस्टीट्यूट का, एंड अदर फोर्सेस या फिर और भी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, उनका सम टोटल होता है जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से आउटसाइड है, यानी बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, एंड इंटरप्रेट बट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कह दिया ना, लेकिन ये बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, बिजनेस के परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। इसके वजह से, इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उसी को कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट। क्लियर है? क्या कहोगे, वो सारे इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल होता है जिससे हमारे बिजनेस, जिस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस पे हमारा बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, बिजनेस के परफॉर्मेंस पे उस पर अफेक्ट आता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। इसी से रिलेटेड है हमारा फीचर्स। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो फीचर्स लिखने में काफ़ी ईजी हो जाता है, आप ईजिली लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कैसा फोर्सेस है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस है, हमारे बिजनेस के बियॉन्ड है। तो आप बोल सकते हो कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो फोर्सेस जिस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेकंड आप कहोगे कि यही जो फोर्सेस होते हैं, इसमें से कुछ फोर्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, और कुछ होते हैं जो जनरल फोर्सेस होते हैं। अब क्या होता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस? अब देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस है ना। देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस हैं और कुछ क्या हैं, जनरल फोर्सेस हैं। अब स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सिर्फ एक बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, सारे बिजनेस के लिए नहीं होते हैं, पूरे इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी स्टेशनरी की शॉप है, सिर्फ मेरी एक शॉप है, मेरी ही सिर्फ शॉप है और किसी की शॉप नहीं। अचानक से मेरे बगल में मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, कोई एक और बंदे ने स्टेशनरी की शॉप मतलब वहाँ पे ओपन कर ली, तो उसके वजह से सिर्फ मेरा पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्ट करेगा ना, करेगा ही। उसने खोल दिया तो जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो सिर्फ उसके वजह से सिर्फ मेरा ही बिजनेस अफेक्ट कर रहा है, पूरे इंडिया में सबका बिजनेस नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरा बिजनेस कर रहा है। तो ये हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस हैं जो सबके लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जीएसटी की, फॉर एग्जांपल मान लो जीएसटी बढ़ गया, अभी जीएसटी कम था, अभी जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे 8% से 10% हो गया,
तो जीएसटी बढ़ा सिर्फ मेरे लिए नहीं बढ़ा, ये ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो सबके लिए होता है, सिर्फ इंडिविजुअल मुझे ही नहीं देना है, तो सारे शॉपकीपर के लिए, वो क्या है, जनरल फोर्सेस है, सब पे कहीं ना कहीं भारी इफेक्ट पड़ेगा। तो स्पेसिफिक जनरल क्लियर है, स्पेसिफिक यानी सिर्फ एक शॉप के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर शॉप के लिए, जनरल फोर्सेज जो सबके लिए, सारे शॉपकीपर्स के लिए वो फोर्सेस हो जाती है, सब सारे बिजनेस पे वो अफेक्ट करेगा। तो ये होता है। थर्ड आप बोलोगे कि डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंजिंग इन नेचर, बार बार बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंजिंग होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा यही रहेगा, चेंजेबल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। फोर्थ कहोगे अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेन तो रहेगा ना, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अनिश्चितता, कोई ज़रूरी नहीं जो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट अभी क्या चल रहा है नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होगा या सही होगा, वो अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे हमारा बिजनेस में पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, जैसे कि हमारा अभी कोविड का सिचुएशन था, तो अनसर्टेन है, कभी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। फिफ्थ कहोगे इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं, यानी एक इन्वायरमेंट, मतलब बार बार ये जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो भी उसमें पर्टिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, रिलेटेडनेस होते हैं। सिक्स कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है भाई? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है थोड़ा सा टफ हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, क्योंकि एनवायरनमेंट है बार बार चेंजिंग नेचर का है, कब क्या हो जाएगा, उससे हमारा बिजनेस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में रखा गया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारा बेसिकली था बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग एंड होगा फीचर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लें, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स क्या होता है, डायमेंशंस क्या है। इसके पहले हमने पढ़ लिया ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, बेसिकली हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल था, जिस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है एंड कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये था। उसके फीचर्स देख लिए ना, क्या क्या थे, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, अनसर्टेनिटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो सब हो गया था। अब इसके कंपोनेंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, आपके सीयूटी के लिए भी है प्लस क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है या फिर क्या डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो इसको बेसिकली फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको फाइव तरीके से या फाइव टाइप से बोल सकते हैं। सबसे पहला कह रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल से मतलब क्या है, पॉलिटिक्स, समझ रहे हैं ना, यानी कि राजनीतिक से रिलेटेड है, जहाँ पे मिनिस्टर्स, नेताओं से रिलेटेड है, तो वो एनवायरनमेंट जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसके हैं, प्राइम मिनिस्टर के हैं या फिर हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस बन रहे हैं, जो भी रूल्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं, किसके तरफ से बनाया जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और इस रूल रेगुलेशन की वजह से हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आया था माना अभी मेक इन इंडिया हो गया, या फिर एक प्रोजेक्ट आया था मोदी जी ने बताया था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये सब जो बनाया गया, ये जो प्रोग्राम्स चलाए गए, ये गवर्नमेंट के तरफ से चलाए गए थे, तो पॉलिटिकल पार्टी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। तो जहाँ पे पॉलिटिकल रूल रेगुलेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट बॉडीज आ जाएंगी और इन प्रोग्राम्स की वजह से हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्लियर है, एकदम सिंपल है। सेकंड कह रहा है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो। इकोनॉमी में आपने पढ़ा ना, जैसे कि मान लो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे प्राइस रेट बढ़ा दिया जाता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है ना, पैसे लोगों के पास बढ़ जाते हैं, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम प्राइजेस को हाई कर देते हैं, जनरल प्राइजेस को बढ़ा देते हैं इस वजह से, ताकि डिमांड कम हो जाए, ठीक। तो वो हमारा इन्फ्लेशन का दौर होता है, जहाँ पे हम प्राइजेस को राइज कर देते हैं, जैसे प्याज का दाम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, हमारा इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, रेपो रेट हो गया, रेपो रेट जो गवर्नमेंट और आरबीआई लगाती है, डिमांड हो गया, कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये जो भी चीज़ें आएगा वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होगा, यानी इकोनॉमी में चेंजेस के वजह से, यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कोई चेंजेस आया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज, गवर्नमेंट कह रहे हैं आरबीआई की पॉलिसीज में चेंजेस आ रहा, आरबीआई ने कुछ रेपो रेट को बढ़ा दिया या रिजर्व रेपो रेट को बढ़ाया घटा दिया,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी अफेक्ट करेगा, बिजनेस भी अफेक्ट कर देगा ना। अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट का मतलब है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट मतलब लोन्स प्रोवाइड कराती है, वो रेपो रेट होता है। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज कर जाएगा तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, लोग लोन लेना कम कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का दौर है उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारी RBI करती है। तो अगर इन सब में कोई भी चेंजेस आता है, इकोनॉमिकल चेंजेस कुछ भी आता है, तो वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट में इन्वॉल्व होगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इन टर्म को हम रखेंगे किसमें, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में। थर्ड वन कहता है हमारा सोशल एनवायरमेंट, जो सोसाइटी से रिलेटेड होगा। जैसे सोशल वेलफेयर के लिए हम बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं ना कि बिजनेस हम करते हैं तो सोशल को ध्यान में रखते हुए करते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रखते हैं, इको फ्रेंडली बिजनेस करते हैं, यानी इससे हमारे सोसाइटी पे कोई प्रभाव ना पड़े। और बिजनेस आज के डेट में क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है, हम कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए करते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो वो सारे फैक्टर जो एक सोसाइटी के लिए होते हैं, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उनको फेयर गुड्स देना, फेयर रेट पे देना, तो ये सब चीज़ें हम सोशल एनवायरमेंट में रखेंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट किससे मतलब है, टेक्निक से रिलेटेड है, यानी कि आज के डेट में देख रहे हैं ना, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हर जगह QR कोड लग गया है, हम ऑनलाइन पेमेंट पे आ गए हैं, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, QR कोड से कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल एनवायरमेंट मतलब टेक्निक्स में चेंजेस आया है। पहले हम हर चीज़ कैश लेके चलते थे, अब कैशलेस इंडिया हो गया है, हर चीज़ हम ऑनलाइन कर दे रहे हैं, सबका डीमेट अकाउंट ऑनलाइन हो गया है, तो हर चीज़ हम आज के डेट में ऑनलाइन करें। तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हमारे इंडिया टेक्नोलॉजी में अगर अब बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के अंडर में आएगा और इससे भी हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और इससे हमारे बिजनेस में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लास्ट वन कह रहे हैं लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट हमारे लॉज से रिलेटेड है कि अगर कोई लॉज में, लेजिस्लेटिव में कोई चेंजेस आ रहा है, यानी लीगली कोई चेंजेस आ रहा है कि अब इसको मान लो लीगली कर दिया गया, जैसे लीगल टेंडर मनी पे क्या कहते हैं 500, 1000 डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या अफेक्ट है, तो वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट में आएगा। यानी लीगली किसको रखा गया, नहीं रखा गया, लॉ लेजिस्लेटिव क्या कहता है, इसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट करेगा, तो वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट का टर्म है। तो बेसिकली यही हमारा फाइव क्या था, कॉम्पोनेंट था बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो इंपॉर्टेंट है। बस नाम याद रखेंगे और नाम से रिलेटेड आप उसको कोरिलेट कर लेंगे कि किसकी बात कर रहा है। सबसे फर्स्ट वन था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी में कोई चेंजेस आया, सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, टेक्नोलॉजिकल है, टेक्निक में चेंजेस है, एंड लीगल इन्वायरमेंट। बस यही हमारा फाइव कंपोनेंट्स है, जिसको कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट से इसको नोट करें, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखते हैं अब इसके फीचर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट देख लिया ना, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, वो सराउंडिंग जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है इज कॉल्ड अ बिजनेस इन्वायरमेंट। डेफिनेशन से ही रिलेटेड होते हैं इसके फीचर्स। डेफिनेशन क्लियर है बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है, और एक मेन चीज़ हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस का। तो फर्स्ट ही हमारा है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। ओके, तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट ही हमारा फीचर्स क्या हो गया कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, तो इसका फर्स्ट फीचर या कैरेक्टर या नेचर हो गया। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कभी कभी आते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी बिजनेस में हमें दिखता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। और कुछ जनरल फोर्सेस हैं, जैसे पता ही है कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी कॉम्पिटिशन ऐसे ही रहने वाला है, ये कॉम्पिटिशन मार्केट में और रह जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, या फिर प्राइस में ये चेंजेस आएगा, रॉ मटेरियल महंगी हो जाएगी। तो कुछ जनरल फोर्सेज हैं जो होता ही है बिजनेस में, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा ही, वो हमारे कंट्रोल या ना कंट्रोल के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो हमें उतना पता नहीं होते, अचानक से हो जाते हैं हमारे साथ। ठीक है, ऐसे थर्ड है अनसर्टेनिटी। ये तो पता ही, अनसर्टेनिटी मतलब जिसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, अनसर्टेन नेचर का है, जिसके बारे में हमें अभी से ज्ञात नहीं है। तो बिजनेस भी क्या है, अनसर्टेन होता है, यानी इन फ्यूचर कब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आ गया, कोविड का किसी को नहीं पता था, अचानक से बिजनेस पे कोविड आ गया, तो उससे बिजनेस हमारा काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस पे, और छोटे छोटे बिजनेस तो इम्पैक्ट बंद ही हो गए थे। तो वैसे ही अनसर्टेन मतलब ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, अनसर्टेन नेचर का है, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकता है बिजनेस में, जिसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है बिजनेसमैन का अपने बिजनेस में। फोर्थ कह रहा है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, मतलब कि चेंजिंग नेचर का होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरमेंट भी क्या है, चेंजिंग नेचर का है, हमेशा ये चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है यहाँ पे। लास्ट वन कह रहा है इंटर रिलेटेडनेस प्लस
जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होती हैं, एक के वजह से दूसरा भी प्रभावित होता है। तो ये थे हमारे फीचर्स बिजनेस एनवायरमेंट के। अब पढ़ना है हमको डायमेंशंस, डायमेंशंस कह लो या फिर कॉम्पोनेंट्स कह लो। तो अब है हमारा डायमेंशंस या फिर कॉम्पोनेंट्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से फाइव कॉम्पोनेंट्स हैं जो बिजनेस एनवायरमेंट के हैं, बिजनेस एनवायरमेंट में मेन कॉम्पोनेंट्स हैं या फिर डायमेंशंस हैं। सबसे फर्स्ट डायमेंशन जो कहता है वो कहता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट। फर्स्ट बिजनेस एनवायरमेंट का जो डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब देखो पॉलिटिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, जो भी एनवायरमेंट यहाँ पे बात की जा रही है वो पॉलिटिकल नेचर का है, यानी कि गवर्नमेंट नेचर का है। इसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नेचर का है, ठीक है, मतलब कि पॉलिसी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी, उससे रिलेटेड जो भी एनवायरमेंट में आता है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम आ गया, तो ये सब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड आ जाता है वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट होता है। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आप बताओगे कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आ रहा है, गवर्नमेंट नेचर से रिलेटेड है, या फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी, क्या राजनीति से, क्या मतलब राजनीति से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में सारे कुछ वही आएंगे। ठीक है, हमारा है गवर्नमेंट नेचर, ये गवर्नमेंट नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था, ठीक है, तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था ये किसने किया था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं इसे बिजनेस पे अफेक्ट हुआ था, काफ़ी बिजनेस के लिए तो किया गया था ये प्रोग्राम्स। सेकेंड कहते हैं हमारा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। अब देखिए इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, काफ़ी इजम है, इकोनॉमी से, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। अब हमारे इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी में किसका चेंजेस आता है, पॉलिसी। अब मान लीजिए कि जीडीपी क्या है, जीडीपी कुछ था, अभी कोविड के पहले जीडीपी हमारी कुछ थी, कोविड के बाद से हमारी जीडीपी डाउन हो गई। वैसे ही इनकम टैक्स कितना है, इनकम रेट पे कितना टैक्सेस लग रहा है, या फिर नेशनल इनकम क्या है, या फिर आप बात कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज कितना इस समय चल रहा है, फॉरेन रिजर्व क्या है, इन्फ्लेशन कितना है। तो जो भी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी के रेट में जो भी चेंजेस आ रहा है, जिसने हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको हम किस में रखेंगे, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में रखेंगे। ताकि इसमें इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि क्या इन्फ्लेशन आ रहा है, जीडीपी में क्या चेंजेस आ रहा है, मतलब जो भी आप इकोनॉमी में पढ़ते हो ना वो सब हमारे किसका है, इकोनॉमिकल फैक्टर का है, यानी कि इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। क्लियर है, यही था। थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजिकल का मतलब है टेक्निक से रिलेटेड, कि अब हम किस टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था, हमारा लेबर इंटेंसिव था, हम लेबरों को हायर करते थे, अब उसकी जगह पे मशीन आ गया, अब धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहे हैं, हर चीज़ हम ऑनलाइन कर ले रहे हैं, तो क्या टेक्निक्स आए हैं वो हम टेक्निकल एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, यानी जितने हम टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे फ़ोन पे गूगल पे हम घर बैठे ही कहीं भी पेमेंट कर दे रहे हैं, तो ये सब टेक्निक्स नए नए आने लगे, मशीन्स आने लगे जिसका हम यूज़ करने लगे, तो इससे भी बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ है हमारा सोशल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट। ये भी हमने पढ़ा है ना बिजनेस में, 11th में पढ़ा होगा कि एक बिजनेस का हमारा मोटिव ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, सोशल सोसाइटी नॉर्म्स क्या है हमारा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सोसाइटी के लिए क्या हम मेरा उत्तरदायित्व है वो सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है। यानी कि इसमें सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, सोसाइटी के लिए वैल्यूज़ क्या है, एथिकल एथिक्स क्या है, सोसाइटी के लिए किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या हमने किया, तो ये हम सोशल एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। लास्ट वन है हमारा लीगल एनवायरमेंट। अब लीगल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, लीगल एनवायरमेंट में लीगली से रिलेटेड है, लॉज लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, कि लॉज क्या है, कानून क्या कहता है, क्या कानून ने बिजनेस के लिए क्या क्या रखा है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ये एक लॉज है, लॉज बना दिया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, कंज्यूमर के वेलफेयर की बात की जा रही है, तो ये सब चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। फिर हमने और भी, जैसे कंपनी एक्ट 2013 आ गया अमेंडमेंट करके, पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, अब कंपनी एक्ट 2013 पढ़ें, तो ये सब लीगल एनवायरमेंट का ही पार्ट है, जो लीगल एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली फाइव हमारे क्या हैं, डायमेंशंस हैं या फिर कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इसको नोट करें, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने देख लिया ना बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, उसका फीचर्स क्या है, प्लस वो डायमेंशंस क्या हैं, जो फाइव डायमेंशंस हमने पढ़ा। अब है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस।
अब बिजनेस को चेंज करने के लिए, अब जैसे पहले जो बिजनेस चलता था घसापेटा, जो भी बिजनेस चल रहा था पहले, बार्टर सिस्टम था, फिर जो भी बिजनेसेस चले, छोटे मोटे बिजनेस, छोटे उद्योग चले, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या चेंजेस रहा? मतलब गवर्नमेंट ने किस टाइप का चेंजेस किया यहाँ पे बिजनेस को ब्रॉड करने के लिए, या फिर बिजनेस में एक क्रांति लाने के लिए, लाइक रिवोल्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, गवर्नमेंट ने क्या किया? तो सबसे मेन जो पॉलिसी हम गवर्नमेंट की पढ़ते हैं, 1991 की पॉलिसी पढ़ते हैं, क्या किया था गवर्नमेंट ने, देखते हैं थोड़ा सा, कि इकोनॉमी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी पॉलिसी या फिर इकोनॉमी रिफॉर्म्स, जो एक ऐसा रिफॉर्म आया था, एक ऐसा चेंजेस आया था जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, किस लिए? उन बिजनेस के लिए, बिजनेस को मतलब कह सकते एक मार्केट में उछाल लाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। मतलब गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर ये पॉलिसी सही से लग गई, इकोनॉमी पॉलिसी या फिर इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991 में, इससे क्या होगा, हम बिजनेस को और ब्रॉड कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं, या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, उनको हम हटा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 में, जिसको इकोनॉमी रिफॉर्म या फिर इकोनॉमी पॉलिसी कह सकते हैं, रेफर्स टू वेरियस पॉलिसी मेजर्स एंड चेंजेस अंडरटेक सिंस जुलाई 1991। 1991 जुलाई में गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज बनाई गई, जिसका मेजर किया गया, बताया गया कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे हमारे बिजनेस को चेंज करने के लिए, कि इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में। जो तीन पॉलिसी इसमें जो मेन जिनका रोल था वो क्या था, LPG, हमने पढ़ा होगा LPG मॉडल, 10th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, इकोनॉमी में भी है ये। एल रेफर्स टू लिबरलाइजेशन, एल पी पी रेफर्स टू प्राइवेटाइजेशन, एंड जी रेफर्स टू ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए 1991 में जो पॉलिसी लाई गई थी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, जिसको हमने इकोनॉमी पॉलिसी या फिर इकोनॉमी रिफॉर्म्स बोलते हैं, तो इस रिफॉर्म में तीन चीज़ें गवर्नमेंट ने लेके आई, क्या क्या, एलपीजी मॉडल, जिसको हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, एल रेफर्स टू लिबरलाइजेशन, पी रेफर्स टू प्राइवेटाइजेशन, एंड जी रेफर्स टू ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं कि ये तीनों का क्या मानना था। लिबरलाइजेशन, लिबरल का मतलब क्या होता है, कि लिबरल कर देना, हर चीज़ को आसान कर देना, इजी कर देना, कि हमारे लिए अब इजी हो जाए। अब पहले क्या था कि बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस में, अब कोई भी आदमी उठ के बिजनेस नहीं कर पा रहा था, उसको लेने के लिए उसको कई तरीके से साइन कराना है, ये कराना है, उनसे मतलब एग्रीमेंट लेना है, तो उनसे ये करना है, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी हर वो छोटे छोटे लोगों को जो बिजनेस करना चाह रहे थे, या फिर जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको तो दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, फिर कह सकते हैं जो भी रेस्ट्रिक्शंस था, फालतू जो टैक्सेस थे, बैरियर्स थे, यानी बैरियर्स को हटाने के लिए हमने एल मॉडल लेके आए गवर्नमेंट ने, एल फॉर लिबरलाइजेशन, यानी हमने लिबरल कर दिया, इजी कर दिया, अब बिजनेस में आने के लिए अब सिंपल हो गया था, हमको कोई बैरियर्स नहीं था। अब इसके आने से क्या हुआ, हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कही थी ना, रिटन वर्क या फिर पेपर वर्क, वो सब चीज़ें को हटा दिया गया, यानी पेपरलेस कर दिया गया, अब हर चीज़ में मतलब हमको अब लिबरल कर दिया गया, इजी कर दिया गया बिजनेस में आने के लिए। तो एल रेफर्स टू लिबरलाइजेशन, मतलब कि इजी कर दिया गया, ऐसा रिफॉर्म्स आया कि अब मेरे लिए इजी हो गया, सारे प्रकार के जो भी अनवांटेड थे या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिए गए लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, ये तो लिबरल हो गया। यहाँ तो जितने भी बैरियर्स थे जो हमारे ट्रेड में आते थे उसको हटा दिया गया था, जो भी ट्रेड में, जो भी बाइंग सेलिंग में बैरियर्स आते थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया, सारे बैरियर्स हट गए, तो वो हमारे लिए लिबरल हो गया, लिबरलाइज हो गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से उठा के प्राइवेट के हाथ में दे दिया, जब देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं हो पा रहा तो उठा के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। जैसे BSNL, BSNL क्या था, गवर्नमेंट कंपनी थी, BSNL उतना तेजी से तो नहीं चला, अब क्या है, सबके हाथ में जियो का आ गया सिम, सबके हाथ में रिलायंस का है, सबके हाथ में हर एक घर में है रिलायंस जियो का सिम, तो जियो का क्या है, प्राइवेट को उठा के गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट को उठा के दिया गया, जैस कॉल प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर का काम यहाँ पे बढ़ा दिया गया, प्राइवेट को लोड ज़्यादा दे दिए, गवर्नमेंट से लोड कम कर दिया गया, तो वो प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन से भी हमारे बिजनेस में उछाल आया था। नेक्स्ट ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एंटायर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देना, यानी इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पे लेके चले थे, इंटरनेशनल मार्केट करना था, ई कॉमर्स में हम इंटरनेशनल मार्केट पे जाएं,
ट्रेडिंग को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाएं। यहाँ पे हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना था, इंटरनेशनल मार्केटिंग करना था यहाँ पे। कहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन में, यानी एंटायर वर्ल्ड से हमको कम्युनिकेट करना है, एंटायर वर्ल्ड से जुड़ के हमको व्यवसाय करना है, अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाना है कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। जितना हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से फॉरेन में निर्यात करना। तो इससे क्या होगा, अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि एंटायर वर्ल्ड के साथ हमको क्या करना है, जुड़ जाना है, उनके साथ लग जाना है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि इसको ये भी कह सकते हैं कि एंटायर वर्ल्ड इन वन मार्केट, ये भी बढ़िया है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या उद्देश्य था कि एंटायर वर्ल्ड इन वन मार्केट, पूरे एंटायर वर्ल्ड को एक मार्केट के साथ हमको जोड़ देना था, ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ये तीन मॉडल था हमारा एलपीजी का, क्या क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमको बैरियर्स को हटाना था ट्रेडिंग में से, ताकि वो ईजी हो जाए। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट सेक्टर्स को रिड्यूस करके प्राइवेट के हाथ में देना था, जैसे कि जियो हो गया। ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ जाए। और इंटायर वर्ल्ड इन वन मार्केट, पूरे इंटायर वर्ल्ड को एक मार्केट के साथ जोड़ देना था, ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ये मॉडल था किसका, गवर्नमेंट पॉलिसी थी जो हमारे बिजनेस में आई, और बिजनेस में क्रांति आ गया, रिवोल्यूशन आ गया, या फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया था। तो फटाफट से इसको देख ले, फिर अब नेक्स्ट हमारा रह गया लास्ट यूनिट, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, देन चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी तो हमने पढ़ लिया, 1991 में क्या आया था, एलपीजी मॉडल, वो हमने देख लिया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। अब है कि जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी आई, उस पर बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिजनेस पे तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एलपीजी मॉडल से, लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन पे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी कि सारे बैरियर्स हट जाएँ, प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, ताकि और अच्छे से सर्विसेज मिले हमें, मार्केट में सर्विसेज ज़्यादा मिले, कस्टमर्स के लिए सही रहे, कस्टमर ओरिएंटेड किया गया। तो ये सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस में, तो एक दिमाग में माइंडसेट आ गया होगा कि हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा, पॉजिटिव के लिए इन्हें गवर्नमेंट ने किया था, हमारे वेलफेयर के लिए तो गवर्नमेंट काम करती है, जाहिर सी बात है। तो सबसे फर्स्ट कह रहा है इंक्रीज कॉम्पिटिशन, ये चीज़ तो हुआ ही, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में। दैट मीन्स कि पहले उतने बिजनेस नहीं थे, प्राइवेटाइज मतलब लिबरलाइजेशन के पहले, जब एलपीजी मॉडल नहीं आया था, उससे पहले मार्केट में उतने कंपटीशन नहीं थे, कुछ ही कंपटीशन थे, कुछ ही शॉप थे, क्योंकि बहुत बैरियर्स थे ना, तो सब लोग बिजनेस में नहीं आ पा रहे थे, तो इस वजह से कंपटीशन नहीं थे। अब जैसे एलपीजी मॉडल आया, वो सारे बैरियर्स हट गए, तो एक मार्केट पे उछाल आया, सबके सब कस्टमर्स उठ के क्या बोलने लगे कि हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सब बिजनेस करने लगे। तो जितने बिजनेस इंक्रीज होगा, जितना मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा, शॉप्स बढ़ेंगे, ट्रेंड बढ़ेगा, तो वैसे हमारा कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगे, इंक्रीज हो गया, रैपिडली चेंजेस आया मार्केट में कंपटीशन का। जितना कंपटीशन बढ़ेगा, एक दूसरे से लोग कॉम्पिटिट करेंगे, ये कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी उसे कॉम्पिटिट करने के लिए उसी तरीके का प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो मार्केट में डिमांड भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। जब लोग देखेंगे वैरायटी ऑफ गुड्स, अब हमें कहीं जाते हैं, मेले में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेले में खूब वैरायटी ऑफ गुड्स दिखते हैं, तो उस तरीके से हमारी डिमांड भी इंक्रीज होते जाती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उससे डिमांड भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट देखा कि साइड से बात है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो फर्स्ट हमारा कंपटीशन बढ़ गया। सेकंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, देखिए उसी से रिलेटेड है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब जितना मार्केट में हमारा क्या बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि बिजनेस ब्रॉड हो रहा है, एलोब्रेट हो रहा है, फैलते जा रहा है, एक्सपेंड कर गया बिजनेस हमारा, हमारा नहीं मतलब ऐसे कई थे लोगों ने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि सबको दिख रहा है कि बैरियर्स हट गए, सब बिजनेस में कूद पड़े। तो इसमें जितना प्रोडक्ट हमें अवेलेबल दिखेगा, हम तो कस्टमर्स हैं, लाइक वी आर अ कस्टमर, अब हमारे सामने कई थे प्रोडक्ट दिखेंगे, वैरायटीज दिखेंगे, एक ही टाइप के कई थे दिखेंगे, तो हम डिमांड तो करेंगे ही करेंगे, हम देखेंगे अब और मुझे डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों का नीड कभी फुलफिल होता ही नहीं। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि लोग का तो अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स तो इनके अनलिमिटेड होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो हम उतना ही डिमांड करेंगे, हमें जितना दिखेगा हम उतना ही डिमांड करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ते जाएंगे, तो जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, शॉप्स बढ़ेगा, वैराइटीज़ बढ़ेंगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हमको बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब पहले से अभी देखिए ना, खुद अपने रियल लाइफ में देखिए, अब कितने कॉस्मेटिक्स के लिए तो कितने ब्रांड मिल गए, इतने ब्रांड हो गए कि लोगों के डिमांड भी उस हिसाब से
इंक्रीज होते गए। पहले एक ही दो लोग यूज़ करते थे, अब सब टाइप के लोग, मतलब हर चीज़ हमें यूज़ करना है। हमारी डिमांड वैसी बढ़ती जा रही है, क्लॉथ्स में भी वैसे वैरायटीज़ बढ़, हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। थर्ड कह रहा है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल। अब धीरे धीरे टेक्निक्स भी चेंजेस आ रहे हैं, रैपिडली टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब जितना टेक्निक्स का यूज़ करें, पहले था कि लेबर इंटेंसिव था, लेबरों से हम काम कराते थे, उन्हीं से प्रोडक्ट बनवाते थे, हैंडमेड होता था हर चीज़, और वो महंगी भी होती थी मार्केट में। अब क्या है कि जैसे मशीन्स आ गए, लेबर हटा के हम मशीन्स को लें, तो जैसे ही मशीन आ गए, तो कैपिटल इंटेंसिव जिसको बोला जाता है इकोनॉमी में, तो मशीन के आने से हमारा क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस आए, टेक्निक्स में चेंजेस आए। पहले लेबर टेक्निक था, अब मशीन टेक्निक का यूज़ करने लगे, तो मशीनीकरण भी होने लगा। एलपीजी मॉडल हटा, हमारे पास से बैरियर हटे, हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, मशीनों का यूज़ करेगा, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करेगा। प्लस हम जिसे ग्लोबलाइज्ड भी हो गए थे, तो ग्लोबलाइज्ड हो गए तो हर चीज़ें हम बाहर से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे ग्लोबलाइज तरीके से, इंटरनेशनल मार्केट से, तो कहीं ना कहीं हमें बाहर से टेक्निक्स भी दिख रहे थे कि हाँ ये टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट और बेहतर बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजिकल में भी चेंजेस आया, यानी यहाँ पे हम मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे, लेबर इंटेंसिव कम हो गए, तो मशीनों का यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब अच्छे टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, अच्छा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। नेसेसरी फॉर चेंजेस। अब इसके लिए जैसे ही मतलब एलपीजी मॉडल आया, इतना सब कुछ बदलाव होने लगा, तो हमें अपने चेंजेस में भी नेसेसरी करने की ज़रूरत हो गई। नेसेसरी मतलब ज़रूरत हो गया कि हमें चेंजेस लाना ही था, हर चीज़ों में भी चेंजेस करना था हमें। फिर है नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ये सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर को ना इंक्रीज़ किया गया था। जब एलपीजी मॉडल आया तो हर चीज़, हमने इकोनॉमी में पढ़ा ना, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो टर्सरी में हमारा सर्विसेज सेक्टर आता है, तो हमें टर्सरी सेक्टर पे फोकस करना था, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट करना था, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कैपिटल से बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी हमें अब ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना था, उनको डेवलप करना था। जब हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेंगे तभी हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, पायलट्स हो गए, तो ये लोग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो हमें क्या करना था, अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना था, ह्यूमन कैपिटल इनोवेट करना था, बनाना था, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सके। ग्लोबलाइज हो रहे हैं तो ग्लोबलाइज होने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए ना। आईटी सेक्टर आ गए, तो आईटी सेक्टर में कौन जाएगा, हम आप कोई भी तो उठ के चला नहीं जाएगा। उसके लिए हमें अच्छे मतलब ह्यूमन क्वालिटी स्किल्ड पर्सन चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, तो उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ। तो ये था हमारा किसका, कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, एलपीजी मॉडल आया, तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सारे ही पॉजिटिव इफेक्ट हैं, और ये मेन इम्पैक्ट हैं जो हमारे बिजनेस पे पड़ता है। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें। सो एट लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे। अगर कहीं डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कहाँ आपको डाउट आ रहा है, किस टॉपिक में अभी भी दिक्कत है, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। ओके, एंड एट लास्ट वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ भी आपको दिक्कत आए, आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, किस पॉइंट में दिक्कत आ रहा है वो भी कमेंट में लिखें। ओके, एंड शेयर करें उन बच्चों को जिनको इनकी नीड है, लाइक सीयूटी एस्पिरेंट्स हो गए या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।